अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। टॉप 10 न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब ये वीडियो आगे रिकमेंड करेगा। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, अब नए अवतार में, जहां आपको मिलेगा क्वालिटी टेस्ट, प्रीमियम सर्विस और खूबसूरत वातावरण। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अम्मीजान टोन मिल्क, प्रीमियम क्वालिटी विद ट्रस्टेड ब्रांड, अब भिवंडी में भी उपलब्ध। एक बार जरूर ट्राई कीजिए अम्मीजान मिल्क। तीन नवंबर को भिवंडी ग्रामीण वलपाड़ा के कृष्णा कॉम्प्लेक्स में एक 18 वर्षीय राजू ख्यातम की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसकी मौत के बाद वारदात ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। परिवार वालों ने नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल पर मामले को दबाने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया है। वही नगर सेवक का कहना है कि कुछ लोग घर वालों को भड़का रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के बाद अब भिवंडी AIMIM पार्टी भी करेगी अपना शक्ति प्रदर्शन। 13 नवंबर को औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील और एडवोकेट वारिस पठान भिवंडी के किदवाई नगर में करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित। वहीं 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी निकालेंगे मुंबई में भव्य रैली। AIMIM भिवंडी के सेक्रेटरी अमोल कामले ने दी जानकारी। कल्याण अहमदनगर हाईवे पर एक टूरिस्ट कार आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण मालशेज घाट की खाई में 100 फुट नीचे जा गिरी। खाई में गिरने की वजह से कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार 7 लोगों में से एक महिला की मृत्यु हो गई और 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को उल्लासनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कलवा के खारे गांव में एक मुर्गियों से भरे कंटेनर की सामने से आ रहे एक ट्रक से हुई जोरदार टक्कर। कंटेनर मुर्गियों को लेकर मुंबई से नासिक की तरफ जा रहा था। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारियों ने रोड से कंटेनर को हटाया। विरार के वसई में स्थित एक आइस फैक्ट्री के 4 डायरेक्टर्स पर 4,93,00,000 रुपए की बिजली चोरी का केस विरार पुलिस स्टेशन में किया गया दर्ज। आइस फैक्ट्री पर सरप्राइज विजिट के दौरान महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने पाया कि फैक्ट्री में पिछले 59 महीनों से 27,84,364 यूनिट बिजली की चोरी की गई है, जिसकी कुल कीमत 4,93,98,460 रुपए बताई जा रही। धानु पुलिस स्टेशन के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने प्राइवेट कार से चिंचानी तारापुर बाईपास रोड पर एक मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर। इस हादसे में 2 बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके से API भाग निकला। घायलों को तुरंत ही नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं वनगांव पुलिस स्टेशन में आरोपी API के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल सुभाष करमाटे नामक आरोपी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को ED ने स्पेशल कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी सुनाई। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 दिनों की ED कस्टडी सुनाई थी, जिसके पूरा होने के बाद उन्हें कोर्ट में रविवार को फिर से पेश किया गया था। बीते शनिवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित एक सिविल हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, जिसके चलते ICU वार्ड में एडमिट 17 लोगों में से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। लोगों का कहना है कि आग पहले एक AC में लगी और फिर सब जगह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल कर्मचारियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में मरे हुए लोगों के परिवार वालों को महाराष्ट्र सरकार ने 5,00,000 रुपए हर्जाना देने का ऐलान किया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस हादसे पे शोक जताया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वो उनकी जुबान काट देंगे। राव ने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र से जो भी कुछ प्रश्नों का उत्तर मांगता है भाजपा सरकार उसे राष्ट्र विरोधी करार दे देती है। आज सेंसेक्स 477 अंकों की बढ़त के साथ 60,545 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 151 अंकों की बढ़त के साथ 18,068 पर हुआ बंद। गोल्ड 48,020 पे ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 6,066 पे ट्रेड करते हुए।